हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 में आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया था, उस रिटर्न एग्ज़ाम में पेपर वन में जो टोटल 60 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 2022 में जितना भी रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया था, सारे रिटर्न एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहे थे कि द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कहाँ पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, द विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पड़ता है आपका कलकत्ता में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहे थे कि इन व्हिच ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स डाज हिमा दास पार्टिसिपेट, हिमा दास कौन सा ट्रैक और कौन सा फील्ड में खेलते हैं। तो यहाँ पर हिमा दास जो है ये एक स्प्रिंटर, स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस फील्ड में ये खेलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्प्रिंट्स शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे थे कि हु वाज अवार्डेड द आसाम वैभव अवार्ड इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में आसाम वैभव अवार्ड किनको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 में आसाम वैभव अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये पड़ता है आपका अहमदाबाद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहे थे कि व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर इन एमपीएलईडी स्कीम, एमपीएलईडी स्कीम में जो एलईडी है उस एलईडी का मतलब क्या है, उस एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकल एरिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहे थे कि ऑन हुज बर्थडे इज अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन आसाम, आसाम में किनका बर्थडे को अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आसाम में बगेश्वर बरुआ जी का बर्थडे को अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बगेश्वर बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कनेक्ट आसाम विथ अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा प्लेस आसाम को अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आसाम स्टेट को अरुणाचल प्रदेश स्टेट के साथ जो प्लेस कनेक्ट करता है उस प्लेस का नाम है दिरक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आसाम टू क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस एग्जामिनेशन, पहला पर्सन आसाम से कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था। तो फ्रेंड्स, पहला पर्सन आसाम से जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया था उनका नाम है आपका आनंदराम बरुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आनंदराम बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में बोल रहे थे कि हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जो लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस लॉ को किसने दिया था। तो इस लॉ को दिया था आपका सार आइज़ैक न्यूटन जी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सार आइज़ैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे कंट्री जो है उस कंट्री का कैपिटल सिटी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे
जो कंट्री है उस कंट्री का कैपिटल सिटी का नाम है हारारे। देयर फोर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हारारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, देखिए व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई जो कंट्री है उस कंट्री का करेंसी क्या है, तो उस कंट्री का करेंसी है आपका दिरहम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए बिटवीन हुच टू टाउन्स इज द नरो नारायणा सेतु सिचुएटेड। नरो नारायणा सेतु जो है ये सेतु कौन सा दो टाउन के बीच बनाया गया है। तो फ्रेंड्स नरो नारायणा जो सेतु है ये सेतु वो दो टाउन्स के बीच है, उन दोनों टाउन का नाम है आपका जोगीकुपा और पंचरत्नो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जोगीकुपा और पंचरत्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम का लास्ट किंग जो है उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अहोम किंगडम का लास्ट किंग जो है उनका नाम है आपका पुरंदर सिंह हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुरंदर सिंह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है देखिए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआस पोएम ओ मोर अपनार देह वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये जो पोएम है ओ मोर अपनार देह ये पोएम को लिखा है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने। तो ये जो पोएम है ये पोएम पहली बार कौन सा मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो वो मैगजीन का नाम है बाही। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ। बैंकॉक जो है ये कौन सा कंट्री का कैपिटल सिटी है। तो फ्रेंड्स बैंकॉक जो है ये आपका थाईलैंड कंट्री का कैपिटल सिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इमीडिएटली आफ्टर गोपीनाथ बरदलोई। गोपीनाथ बरदलोई के ठीक बाद असम का चीफ मिनिस्टर कौन बने थे। तो फ्रेंड्स गोपीनाथ बरदलोई के ठीक बाद असम का जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनका नाम है आपका विष्णुराम मेधी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विष्णुराम मेधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हेयर वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ असम एस्टेब्लिश्ड। असम का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो फ्रेंड्स असम का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश्ड किया गया था आपका डिब्रूगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के पास इनमें से कौन सा लोकेशन पड़ता है। तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली के पास इनमें से जो लोकेशन पड़ता है उस लोकेशन का नाम है आपका गुरुग्राम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए मार्गारेट टैचर वाज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये जो मार्गारेट टैचर है ये कौन सा कंट्री का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये फ्रेंड्स मार्गारेट टैचर जो है ये आपका इंग्लैंड का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे देखिए द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन रशिया एंड अलास्का इज। रशिया और अलास्का के बीच जो बॉडी ऑफ वाटर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका बेरिंग स्ट्रेट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी साइड सिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आपका सी साइड सिटी ऑफ इंडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका बेंगलुरु ये आपका सी साइड सिटी ऑफ इंडिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनएचएआई फर्स्ट टैग टूल्स। इनमें से कौन सा व्हीकल को एनएचएआई फर्स्ट टैग
टोल से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो वो है आपका एम्बुलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न थिएटर हॉल ऑफ आसाम द बन थिएटर इज लोकेटेड इन। आसाम का पहला मॉडर्न थिएटर जिसका नाम है बन थिएटर, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तेजपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है देखिए, हुच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन साउथ अमेरिका। इनमें से कौन सा कंट्री साउथ अमेरिका में पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से जो कंट्री साउथ अमेरिका में पड़ता है उस कंट्री का नाम है आपका बोलीविया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे देखिए, इन हुज मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज कनकलता बरुआ मार्टर्ड। इनमें से कौन सा मूवमेंट में कनकलता बरुआ का मर्डर किया गया था? तो वो मूवमेंट का नाम है आपका क्विट इंडिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्विट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। पहला इंडियन कौन है जो स्पेस में गए थे? तो फ्रेंड्स, पहला इंडियन जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम है आपका राकेश शर्मा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे देखिए, व्हेयर इज द आसाम स्टेट म्यूजियम लोकेटेड। आसाम स्टेट म्यूजियम ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, आसाम स्टेट म्यूजियम जो है ये पड़ता है आपका गुवाहाटी में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे देखिए, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए न्यूली इंडक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आसाम। नया कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आसाम किनको बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, जयंत मल्ला बरुआ इनको नया कैबिनेट मीटिंग जो जिसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है उसमें जयंत मल्ला बरुआ जी को कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आसाम बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयंत मल्ला बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर डिड दूरदर्शन स्टार्ट कला टेलीविजन प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में दूरदर्शन ने कला टेलीविजन प्रोग्राम को कब शुरू किया था? तो ये क्या था आपका 1982 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, बोइंग कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट है आपका एयरक्राफ्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका क्वार्ट्ज जो है ये आपका एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट यूज ए बॉल। इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स में आपका बॉल यूज नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से बैडमिंटन में बॉल यूज नहीं होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन मे 8 एवरी ईयर। हर साल मे 8 में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल मे 8 में रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे देखिए, हु वाज अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1994 इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में 1994 में किनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आपका डॉक्टर किरण बेदी। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर किरण बेदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है आपका आर्यभट्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इफ ए पर्सन इज ट्रांजिटिंग इन टाका, व्हिच कंट्री द पर्सन इज इन। अगर कोई पर्सन टाका में अपना ट्रांजेक्शन करता है तो वो कंट्री, वो पर्सन कौन सा कंट्री में आखिर है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाका करेंसी है, ये करेंसी बांग्लादेश कंट्री का है। दैट मीन्स वो पर्सन कौन सा कंट्री में है, वो पर्सन बांग्लादेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ असाफोटिडा हिंग टू इंडिया। इनमें से कौन सा कंट्री बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ असाफोटिडा है, तो कंट्री का नाम है आपका अफगानिस्तान। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि गॉड्स ओन कंट्री इज द टैगलाइन फॉर टूरिज्म ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट का टैगलाइन रखा गया है गॉड्स ओन कंट्री। तो गॉड्स ओन कंट्री, ये जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन दिया है आपका केरला स्टेट ने। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी लोकेटेड इन। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी जो है, ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी जो है, ये आपका मेघालय स्टेट में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेयरफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन मिजोरम एट। तो फ्रेंड्स, ये काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वेयरफेयर स्कूल जो है, ये मिजोरम स्टेट में पड़ता है। तो मिजोरम स्टेट का कौन सा लोकेशन में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बैरिंगटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैरिंगटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे थे द एनिमल शंघाई इज फाउंड इन। एनिमल शंघाई जो है, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो एनिमल शंघाई है, ये पाया जाता है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे थे कि हु ओन द व्हिटले अवार्ड ऑल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर फॉर द एफर्ट्स इन प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। किनको ये व्हिटले अवार्ड मिला है, और ये जो व्हिटले अवार्ड है, इसका और एक नाम भी है, इसका और एक नाम है ग्रीन ऑस्कर। तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किनको मिला है, ये अवार्ड मिला है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कि द राइट टू एडुकेशन एक्ट एज ए फंडामेंटल राइट वॉज इनेक्टेड अंडर। मतलब ये जो राइट टू एडुकेशन एक्ट है, ये एक्ट एक फंडामेंटल राइट है। तो ये एक्ट कौन सा आर्टिकल में है, तो ये जो एक्ट है, ये आर्टिकल 21A में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि चाणक्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ। चाणक्य ये कौन है, ये अर्थशास्त्रों का ऑथर है। तो ये कौन सा कोर्ट का मिनिस्टर थे, तो ये आपका समुद्रगुप्त मौर्य जी का कोर्ट का मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज एन एक्सप्लोरर टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल के टाइम में कौन सा एक्सप्लोरर इंडिया विजिट किए थे, तो उनका नाम है आपका इब्न बतूता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इब्न बतूता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है, देखिए, हु इज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे आपका बी आर अंबेडकर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे, देखिए, द डुरंड लाइन फॉर्म्स द डिवाइडिंग बॉर्डर बिटवीन, कौन कौन सा कंट्री के बीच डुरंड लाइन बॉर्डर है? तो फ्रेंड्स, डुरंड लाइन जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्री, ये दोनों कंट्री के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको डुरंड लाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है, देखिए, द नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया इज प्लेड फॉर। तो ये फ्रेंड्स, ये जो नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट में जो कप या जो ट्रॉफी दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सुब्रतो कप। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे, देखिए, द फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ आसाम सेट अप इन द ईयर 1926 वाज। पहला प्राइवेट बैंक ऑफ आसाम जिसको सेटअप किया था 1926 में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका द गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे, देखिए, हु होल्ड्स द पोजिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन का जो पोजिशन है वो कौन होल्ड करता है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा होते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहे, देखिए, व्हिच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इंडिया में आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे, देखिए, बाय व्हिच नेम इज द रिवर ब्रह्मपुत्र नोन आफ्टर इट जॉइंस द रिवर गंगा इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बांग्लादेश के में जाने के बाद जब वो गंगा से कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, तो उसके बाद उसका नाम क्या हो जाता है? तो उसके बाद उसका नाम हो जाता है आपका पद्मा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहे, देखिए, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन मेजर टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड। मतलब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है प्राइम मेरिडियन का, उसका जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका लंगिट्यूड। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लंगिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर वाटर के साथ कनेक्ट किया गया है, बायोस्फीयर एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट किया गया है, एटमोस्फीयर एयर के साथ कनेक्ट किया गया है, लिथोस्फीयर लैंड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लैंड के साथ कनेक्ट किया गया है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिथोस्फीयर लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहे हैं, देखिए, सुनामीज आर कॉज्ड इन द, सुनामी कहाँ पर होता है? तो सुनामी जो है ये होता है आपका ओशियंस में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड अपीयर, मतलब उनमें इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से सेकुलर, डेमोक्रेटिक, फेडरल, सोशलिस्ट, इनमें से आपका फेडरल जो वर्ड है ये वर्ड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहे थे, द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स ट्रेड विदाउट करेंसीज, मतलब करेंसी के बिना
ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था एशिया एंशियन टाइम में। ट्रेडिंग सिस्टम में करेंसी के बिना ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। तो उसमें वो जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम क्या है? तो उस सिस्टम का नाम है आपका बाटार सिस्टम। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाटार सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहे थे कि द फेमस डिश दाल बाटी चूरमा इज टिपिकली सर्व्ड इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा ये कौन सा स्टेट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका राजस्थान स्टेट में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहे थे कि एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज। जो कि ग्रीन प्लांट्स फीड करते हैं वो एनिमल्स का नाम क्या है? वो एनिमल्स को क्या कहा जाता है? तो उस टाइप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है आपका हर्बीवोरस। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हर्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे थे कि व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजंस फॉर ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिल्स एंड ट्राइबल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंडर में जो हिल्स और ट्राइबल्स रीजन है उनमें जो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक शेड्यूल बनाया गया है, वो कौन सा शेड्यूल है? तो वो शेड्यूल है आपका सिक्स शेड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सिक्स शेड्यूल। तो ये 60 क्वेश्चन पेपर वन में पूछे गए थे। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।